आज हम आए हैं पौंटा साहिब। तो पौंटा साहिब जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनका जो उन्होंने स्थापित किया था गुरुद्वारा, तो आज हम गुरुद्वारा में जाएंगे, इस साइड से जाएंगे। और गाइस देखिए, हम इस साइड से आए हैं, इस साइड से मैं आया था, और अब गाइस चलते हैं इस साइड। देखे आपको दिख रहा होगा इधर गुरुद्वारे का पूरा पार्किंग है, फ्रंटे देखिए आप इस साइड, और चलते हैं इस ओर। तो गाइस इस ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको गुरुद्वारा पूरा। आइए गाइस दिखाते हैं, आइए गाइस दिखाते हैं आपको पौंटा साहिब का बेहतरीन गुरुद्वारा। तो जैसे ही आप मेन रोड से देखते हैं, एंट्री करते हैं, तो आपको कार पार्किंग और बाइक पार्किंग का एक पार्क मिलेगा, और पार्क के साइड में आपको सामने दिखाई देता है गुरुद्वारा। तो कितना बेहतरीन गुरुद्वारा है, आइए आपको दिखाते हैं इस गुरुद्वारे के खूबसूरत बेहतरीन नज़ारे। तो आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, यह गुरुद्वारा जो है पौंटा साहिब में स्थित है, जो कि यमुना हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड की सीमा पर यमुना नदी के किनारे स्थित है यह गुरुद्वारा। इसके दूसरी ओर यमुना नदी बह रही है, जो आपको मंदिर से दिखाएंगे, आप हमारे ब्लॉग्स में बने रहिए। तो गाइस, इस गुरुद्वारे को जो है सिखों के 10वें गुरु जो थे श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा यह गुरुद्वारा बनाया गया था, और करीबन 4.5 साल गुरु जी ने यहीं पर व्यतीत किए। और इस गुरुद्वारे का नाम जो था गाइस पहले पाँव टिका था, जो अब इसका नाम पौंटा साहिब के नाम से यह गुरुद्वारा प्रसिद्ध है, फेमस है। और इसी जगह पर जो इसका नाम रखा गया था पाँव टिका, तो इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि गुरुजी के जो घोड़े थे वो इसी जगह पर आकर के रुक गए थे, और यहीं पर उन्होंने अपना विश्राम किया। और विश्राम करने के बाद जब गुरुजी के घोड़े यहाँ पर रुक गए, तो गुरुजी ने इसका नाम पाँव और टीका रखा, जो कि इसका नाम उस टाइम रखा गया पाउंटा, तो यहाँ पाउंटा के नाम दिया गया। और इसी स्थान पर रहकर गुरुजी ने जो है बहुत सी गुरुवाणी की रचनाएँ की और साहित्य की रचनाएँ की, जो कि 52 भाषाओं में वो लिखी गई, और उन्होंने यहाँ पर कवि रखे गए, हम आपको अपने ब्लॉग्स में वो सब कुछ दिखाएंगे। तो भाई आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको इस गुरुद्वारे के बहुत ही फेमस और सुंदर सुंदर नज़ारे। कितना सुंदर यहाँ गुरुद्वारा दिखता है, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर गुरुवाणी की आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर गुरुवाणी होती रहती है, और ये गुरुवाणी के लिए यहाँ पर साउंड स्पीकर्स जगह जगह पर लगाए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सेवक यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और इस ओर अंदर जाते हैं तो यहीं से ही आप जैसे अंदर जाते हैं तो आप यहाँ से सर पर पगड़ी बांधकर जाना होता है। तो देखिए यहाँ पर सर पर पगड़ी बांध रहे हैं, तो यहाँ से पगड़ी बांधकर जाना होता है। विदाउट पगड़ी के, बिना पगड़ी के, सर खुला कोई भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर आप पगड़ी बांधते हैं, सामने आप शूज़ अपने चप्पल्स वगैरह एक रूम में देते हैं, और वो वहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं लेते। पीछे भी गाइस जो आपको पार्किंग दिखाया उसमें भी किसी तरह का कोई चार्ज ये लोग नहीं लेते, और यहाँ पर आप अपनी हिम्मत के मुताबिक किसी तरह का भी आप यहाँ पर डोनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप डोनेशन अपने मुताबिक दे सकते हैं। गाइस फाइनली मैं आ चुका गुरुद्वारे में, और देखिए गुरुद्वारे में की एक मान्यता होती है गाइस कि खुला सीट नहीं जाते, और उस पर रुमाल या पगड़ी कुछ भी हम बांध के जा सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने अपना रुमाल बांध लिया और अब दर्शन कराता हूँ आपको पूरे गुरुद्वारे के। तो यहाँ अपना पूरा ब्लॉग देखिए, तो आइए आपको दिखाता हूँ। तो इस साइड देखिए, आपको दिख रहा होगा बड़ा गुंबद सामने ही दिख रहा होगा, देखिए आप, तो बड़ा गुंबद सामने दिख रहा है। तो भाई मैंने अपने शूज़ वगैरह उस साइड मैंने अपने शूज़ जमा करा दिए, इस साइड देखिए, और वहाँ से पगड़ी बांध करके मैं आ गया हूँ। तो चलते हैं भाई, जब पूरा दिखाता हूँ आपको पूरा ये ब्लॉग इसका, तो भाई पूरे गुरुद्वारे का आपको ब्लॉग दिखाता हूँ। तो देखिए फाइनली हमने अपना पगड़ी बांध ली सर पे, और अब चलते हैं बाबा जी के गुरुद्वारे में और दिखाते हैं आपको। तो आइए गाइस दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो है उनकी यह कलम दिख रही है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है, और यहाँ पर उन्होंने जो एक राजा था जो लिखा, उसका नाम लिखा गया राजा का, और उनके साथ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, कब लड़ाई लड़ी, कैसे लड़ाई लड़ी, वो कितने ग्रंथ उन्होंने लिखे, वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आइए इस ओर दिखाते हैं आपको, जहाँ पर शूज़ वगैरह रखे जाते हैं वो हम आपको रूम दिखा देते हैं। यहाँ पर ये अंकल जो खड़े हैं सामने ही, यहाँ पर आपको शूज़ और चप्पल्स वगैरह यहाँ पर आप जमा करते हैं, और यहीं से आपको टोकन प्राप्त होगा, और उस टोकन को ही आप दे करके अपने शूज़ वगैरह ले सकते हैं, और फ्री चार्ज है यहाँ पर, किसी तरह कोई चार्ज नहीं है। तो आइए दिखाते हैं आपको इस और गुरुद्वारे के खूबसूरत नज़ारे। तो जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हैं, यहीं से ही आपको वो फुहारे के पानी नीचे आपको दिखाई देगा। देखिए इस ओर ये बच्चा जो खेल रहा है, यहाँ पर आपको एक वाटर चलता हुआ होगा, वो प्योर वाटर है, ठंडा पानी है, आपके पैर खुद ब खुद यहीं पर वॉश हो जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर पानी में आपके
पैर वॉश हो जाएंगे तो सामने ही आपके पैर सुरख से चले जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने इस तरह से डिजाइन किया गया है, देखिए सामने ही ये रखा गया, फर्श पर रखी गई है, ये सूखने के आपके जो बिछाए गए हैं यहाँ पर प्लास्टिक के और दूसरे भी तरह के जो चीज़ें बिछाइए तो आपके पैर खुद ब खुद वॉश होते चले जाएंगे। आप स्वच्छता से अंदर यहाँ पर देखेंगे कक्ष से गुरु जी का, यहाँ पर आप एंट्री करेंगे और यहीं पर उनकी मज़ार है, तो दिखाते हैं आपको उनके मज़ार। और ये ज़रूरी बेनती दिखाई गई है आपको कुछ, यहाँ पर आप किस तरह सिगरेट गुटखा किस तरह का यहाँ पर लेकर के नहीं जा सकते, तो यहाँ से चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको गुरु जी का जो मज़ार है वो। देखिए यहाँ से जा रहे हैं और ये मज़ार जो है गाइस यहीं पर ही हो रही है गुरुवाणी, यहीं पर जो कलाकार है इसके गुरुवाणी के वो गुरुवाणी कर रहे हैं। और आप देखिए अंदर से कितना बेहतरीन यहाँ गुरुद्वारे का जो कक्ष दिखाई देगा, बेहतरीन हिसाब से यहाँ कक्ष आपको दिखाई देगा, देखिए बेहतरीन हिसाब से यहाँ से एंट्री मिलती है। और हम आपको गाइस अपने नेक्स्ट ब्लॉग्स में दिखाएंगे इसके बाद जो ये पूरे कक्ष का और उनके जो अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं वहाँ पर भी मैं आपको लेके चलूँगा। तो गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के देख रहे हैं आप रसिक मलिक ब्लॉग।